कि सी पैक में रेलवे ना जाए, ये इंटरनेशनल साजिश है चीन के खिलाफ। मैं चीन का दोस्त हूँ और चीन के सी पैक को फिल फॉर अमल दरामद चाहता हूँ। दुनिया की ताकतें नहीं चाहती कि ये हम ग्वादर तक ट्रैक पे लेके जाएं, नहीं चाहती हम तफ्तान से मिलाएं। यहाँ कमीशन खोर रोग ले और बैठे होते हैं, वो मीटिंगें करके और बातें करते हैं। आप मेरे भाई हैं, बच्चों की जगह हैं। मैं रेलवे को गरीब की सवारी समझता था, समझता हूँ, समझता रहूँगा। चार ट्रेनों में माइनर किस्म की हमारी है, हमने 30 ट्रेनें चलाई हैं, 20 नफे में चल रही हैं। टोटल ट्रेनें मिला के और सब नफा पैसेंजर से आ रहा है, 5 अरब रुपए का मेरे दौर का फायदा है। अगर इसमें से 10-20 करोड़ रुपया गरीब पे लग गया तो कौन सी क्यामत आ गई। लूट के खा गए हम चोर, एड में डाल दिया सारा सिंध, पाकिस्तान का चेहरा मसक कर दिया। 1-1 अरब रुपए की मशीनरी ली है डाकुओं ने, 5 रुपए गरीब का टिकट जो है ना जी वो लड़ता है इनको। 5 अरब रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 महीनों में ज्यादा 30 ट्रेनों से कमाए हैं जी। 4 ट्रेनें छोटे छोटे से खसारों में हैं, बेचारे शाह लतीफ के मज़ार पे जाती हैं छतों पे बेचारे। अब क्या आपसे अर्ज करूं, किसी की तोहीन नहीं करना चाहता, गरीब होना गुनाह नहीं है। देखें सारे चोर तो इकट्ठे होने जा रहे हैं, 36-36 केस हैं। यहाँ बेचारा एक आदमी व्हील पाना चोरी करता है, मोबाइल फ़ोन छुपा लेता है तो उसकी जमानत कोई नहीं होती, और आगे से दांत निकाल रहे हैं। एक चोर हैं, डाकू हैं, आगे से उंगलियां उठा रहे हैं। शर्म करो बेशर्मो, क्या इनकी डिमांड है। 1 घंटे में सारी अपोजिशन ख़त्म हो सकती है अगर इमरान खान इनको बाहर जाने दे। 1 दिन 24 घंटे के अंदर ये सारी अपोजिशन बिलों में घुस जाती है कि अगर इमरान खान एनआरओ करे। हालांकि मैंने कहा भी है इमरान खान को कि यार दफा कर ये कूड़ कवाड़, दफा बला, जाने दे। कहता नहीं जाने दूंगा, ये उसका फैसला, मैं एक टिकट का लीडर हूं, सबके मसला जी। देखें ये निकल लें रमजान के बाद, इनको पता लग जाएगा। देखें हमें महंगाई हुई है हमारे दौर में, तेल बढ़ा है हमारे दौर में, गैस बढ़ी है हमारे दौर में, डॉलर बढ़ा है हमारे। ये इनका गंद है जो इन्होंने कारपेट के नीचे छुपा के रखा था। हमने फ्रंट फुट पे छाती पे इल्जाम लिया है और कौम को कहते हैं कि इमरान खान 2 सालों में, देखें पीटीआई कहती है 3 महीनों में। मैं नहीं कहता जी, मैंने आपके साथ जीना मरना है, जितने दिन रहना सियासत ही करनी है, कोई शुगर मिल नहीं लगानी। सो हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह 2 साल में अवामी मुस्लिम लीग, और शेख रशीद पहले दिन कहता था कि ये 3 महीने थोड़े हैं। ये सारा गंद डॉलर का, महंगाई का, इसका मेन लोग गहराई में जाए, इसकी गहराई में मसला, इसका जो मंबा है वो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ। देखें बहुत सारे लोग, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, अदालतें हैं सर, अदालतों का मसला है, वरना जो हमजा की बेल जिस तरह हुई है, हमारा तो माँ का जनाजा घर में था। कौम के जालमों, हमने 7 साल कैद ली, माँ का जनाजा घर में था, इनकी घर से बेलें होती हैं ये, क्योंकि हमारी कोई ऐसा एसेट्स नहीं था। क्या कौम इंसाफ नहीं करेगी कि हमारा माँ का घर के जनाजा है और हमें 7 साल भेज दिया जाता है, और ये घर के अंदर छुट्टी के दिन इनकी जमानतें होती हैं। फिर इस मुल्क में खाना जंगी होगी और सबसे पहले ये लोग मारे जाएंगे, शुगर माफिया, शुगर के चोर, आटे के चोर, और ये जो मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, सबसे पहले खाना जंगी की जद में ये आएंगे। इमरान खान, लिसन टू मी, इमरान खान फ्रंट फुट पर इनका मुकाबला कर रहा है। क्या हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम भी इस गंद के ऊपर टोकरा रख सकते थे, हमने इस टोकरे को उठाया, फल सफाई कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ और शहबाज और हमजा और आसफ जरदारी की भल सफाई कर रहा है इमरान खान, अगर ना करता तो क्या होता, इसी तरह मसले चलते रहते। कौम के मसले हल कर रहे हैं, इसमें दुश्वारियां हैं, लेकिन अब इस मुल्क ने फैसला करना है कि ये चोर जिनकी वजह से आज ये सारी महंगाई हुई है वो जिम्मेदार हैं, 40 साल के डकैत जिम्मेदार हैं, या 9 महीने में आकर हालात को ठीक करने की कोशिश करने वाले। जबकि आप
आपके जीएम जो है वो अपने दफ्तर से 48 घंटे बाद वहां पे गए और लोगों को कहते रहे कि मैं बिजी हूं, और वो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हुआ, वो भी माफी तलाफी आपने करवाई, वो हमें टाइम नहीं देते। मैं हाजिर हूँ, मैं जुमे को भी आया करूंगा और अपना लंच और चाय साथ लेके आना। साफी सारे साफी अपना लंच और चाय घर से साथ लेके आए। देखें बिलावल रोजाया, आप हमेशा देखें मेरे मुझसे उसने सुलह कर ली, आप जलते हैं लौरिए। आपको दो दिलों की अच्छी मोहब्बत और पाकीजा मोहब्बत पसंद ही नहीं है। ये कैदो जो है ना लाहौर में, देखें तहरीक चलाती हैं जमातें, और ये तहरीक इस हद तक होनी चाहिए कि महंगाई के खिलाफ और कौम को बताएं महंगाई हुई क्यों, हमने कोई करप्शन की है, हमने कहीं ऐसी मसला किया है। ये कौम को बताएं कि हमने जो 1,000 अरब के कर्जे लिए डॉलर्स, वो आपको 100 अरब के वो आपको पे करने पड़ रहे हैं। दो ऑप्शन है इमरान खान के पास, नंबर वन या कौम को डिफॉल्ट होने दे, आपका जहाज जहां है वहां खड़ा हो जाए, या वो फ्रंट फुट पे गए कि ठीक है कि इन चोरों ने जो कुछ किया है उसकी पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि NRO ना मिले। लेकिन बाज चोर इतने पचीदा स्मार्ट होते हैं कि वो लंदन में बैठकर भी अपने लिए, एक ऐसा चोर भी है जिसने मिनिस्टर एनक्लेव से ताश लगाई, मैं आपको बता रहा था कि शहबाज शरीफ NRO ले रहा है, या अगर मैंने नहीं बताया, अब मैं कह रहा हूं आसफ जरदारी भी उसी लाइन में लगा है। अब इमरान खान क्या करे बताएं, ये मर जाएंगे। मैं देखें आप अब ज्यादा सवाल कर रहे हैं, लास्ट मैंने पहले कहा था, अच्छा चले मैं समझा, मैंने पहले कहा था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इतनी मुश्किल से दौलत लूटी है, ये पैसा नहीं देंगे, आसफ जरदारी शायद दे दे, उसके पास इतना हौसला है, उससे ले रहे हैं तरीके सलीके से। हम तैयार हैं, को आके हाथ भी बटाएं, मुफ्त मशवरे देने हैं, हम सारे लगा रहे हैं, इसके फार्मास्यूटिकल की दुकानें खोल रहे हैं, ये सारा काम आके करें ना, ये सारे NGO जो बड़े NGO हैं रेलवे से आके इब्तदा करें। थैंक यू। छोड़ो यार, देखें अगर दे दी गई है तो अच्छा हुआ यार, ये नहीं हमारे सियासी मुखालफ हैं, ऐसी इनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, एक ही बजाय दो दे दो। बिल आखिर इनको समझ देर से आ रही है, इनकी दौलत काम नहीं आनी, उनकी अपनी औलाद काम नहीं आ रही, उनकी दौलत क्या कहा, दो लगा दो जी, AC ईस्ट और वेस्ट की तरफ जी जी लास्ट चल इन्हें नखरे जाए। थैंक यू वेरी मच। एक ऐसा चोर भी है जिसने मिनिस्टर एनक्लेव से ताश लगाई, मैं आपको बता रहा था कि शहबाज शरीफ NRO ले रहा है, या अगर मैंने नहीं बताया, अब मैं कह रहा हूं आसफ जरदारी भी उसी लाइन में लगा है। अब इमरान खान क्या करे बताएं, ये मर जाएंगे। मैं देखें आप अब ज्यादा सवाल कर रहे हैं, लास्ट मैंने पहले कहा था, अच्छा चले मैं समझा, मैंने पहले कहा था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इतनी मुश्किल से दौलत लूटी है, ये पैसा नहीं देंगे, आसफ जरदारी शायद दे दे, उसके पास इतना हौसला है, उससे ले रहे हैं तरीके सलीके से। हम तैयार हैं, को आके हाथ भी बटाएं, मुफ्त मशवरे देने हैं, हम सारे लगा रहे हैं, इसके फार्मास्यूटिकल की दुकानें खोल रहे हैं, ये सारा काम आके करें ना, ये सारे NGO जो बड़े NGO हैं रेलवे से आके इब्तदा करें। थैंक यू वेरी मच। छोड़ो यार, देखें अगर दे दी गई है तो अच्छा हुआ यार, ये नहीं हमारे सियासी मुखालफ हैं, ऐसी इनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, एक ही बजाय दो दे दो। बिल आखिर इनको समझ देर से आ रही है, इनकी दौलत काम नहीं आनी,
ان کی اپنی اولاد کام نہیں آ رہی، ان کی دولت کیا کہا، دو لگا دو جی، اے سی ایسٹ اور ویسٹ کی طرف، جی جی لاسٹ چل رہے نخرے جا، تھینک یو ویری مچ۔